नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों, डिस्क ब्रेक किस तरीके से काम करते हैं आजकल। तो पहले भी मैकेनिकल ब्रेक काम करते थे, लेकिन आजकल डिस्क ब्रेक काम है, चाहे बाइक हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर से ही ब्रेक लगने लग जाते हैं। ब्रेक भी दोस्तों कई प्रकार से होते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक, न्यूमेट्रिक ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, तो बहुत टाइप के ब्रेक होते हैं। तो आज आपको बता रहा हूँ मैं दोस्तों, डिस्क ब्रेक किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स लग रहे थे, उनका क्या काम रहता है। तो कोई भी ब्रेक होता है, चाहे आपको बाइक का हो चाहे कार का हो, इस तरीके से पूरा ब्रेकिंग सिस्टम रहता है। सबसे पहले ये मास्टर सिलेंडर रहता है, यहाँ पर मास्टर सिलेंडर, उसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल भरा रहता है, ये दिख रहा होगा, ये ऑयल रहता है। अब ऑयल का प्रेशर दोस्तों ये क्या रहता है, इसके अंदर पिस्टन लगा रहता है, वो पिस्टन का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ जैसे हमने इसको दबाया, तो यहाँ से डिस्चार्ज होता है, तो प्रेशर की वजह से डिस्चार्ज होता है। जो हॉस पाइप से होता हुआ कहाँ आता है दोस्तों, ये कैपिलरी कैलीपर के अंदर आता है, इसको पूरा कैलीपर असेंबली बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक पिस्टन लगा रहता है और इस तरीके के दो पेड लगे रहते हैं। जैसे ही पिस्टन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, यहाँ पिस्टन इसको पुश करेगा, तो ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में जाएंगे इसे और चिपक जाएंगे। ये जैसे हम इसको ब्रेक को लगाएंगे, तो ये इसको चिपका लेगा, ये जैसे हमने पेड को हटाया तो ये मूव हो जाएगा, इस तरीके से ये इसको रोक देगा। इस तरीके से ये डिस्क प्लेट रहती है, ठीक है, ये कैलिपर असेंबली रहती है, इसके अंदर पिस्टन लगा रहता है। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर ले जाकर एक्चुअल में भी वो किस तरीके से काम करता है। ये हमारे पास बच्चे आते हैं बनाते हैं, देखो ये रहता है, इस तरीके से जो प्रेशर आएगा उसका ऑयल का, इधर से आएगा, इसके अंदर ये पिस्टन लगा रहता है, ये पिस्टन मूव करता है, ये बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बीच में इसके अंदर गैप बन जाता है, ये गैप बनने की वजह से ये पेड इसके अंदर लगे रहते हैं और ये चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद ब्रेक अप्लाई हो जाता है, इस तरीके से ब्रेक काम करता है। यहाँ पर देखो ये आपका ये जैसे हमने पेडल को दबाया, देखो इस पेडल को हमने ऐसे दबाया, तो इधर से प्रेशर आता है ऑयल का, ये इधर जाता है, इसके अंदर जो कैलिपर के अंदर आता है, और इधर इसके अंदर जो डिस्क लगी रहती है और ये रुक जाती है, इस तरीके से ये ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू।